हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आइए, आज हम क्या बनाने वाले हैं, हम आपको बताते हैं। आज हमने आप क्या बनाने वाले हो? आज की रेसिपी हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। तो चलो कस्टर्ड पाउडर आपको कैसे बनता है। कस्टर्ड पाउडर कई तरीके से बनते हैं, अलग अलग फ्लेवर में, लेकिन आज हम मैंगो बनाने वाले हैं। मैंगो खाने में बहुत टेस्टी होता है और बच्चों और बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है। चलिए शुरू करते हैं। आज और चौथा रोज है। आज करते हैं कस्टर्ड बनाना। हमने पतीली रख दी है, अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध कितना लेना है हम आपको बताते हैं। हमने अमूल दूध लिया है। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। एक लीटर दूध हमने ले लिया है, अब इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर इतना डालेंगे जितना आप मीठा खाते हो, कम ज्यादा। हमने अपने हिसाब से, एक लीटर दूध के हिसाब से, एक कटोरी शक्कर लिया है। दूध को अच्छे से बॉईल कर ले, फिर उसके बाद शक्कर डालें। और गार्निश करने के लिए हमने मैंगो लिया है, इसको छील के कट करके इसको ऊपर से गार्निश करेंगे। और ये कस्टर्ड पाउडर है, इसको हम घोल कर इसको भी इसी में डालेंगे। ये मैंगो कस्टर्ड है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। दूध अच्छे से बॉयल होने लगा है, ये देखिए दूध उबल रहा है। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर, क्योंकि दूध पकने के बाद ही शक्कर डाले अच्छा रहता है। कभी कभी क्या होता है, दूध फट जाता है। पतीली में जब भी दूध रखे तो पहले पानी बॉयल करके पानी को फेंक दे, उसके बाद फिर दूध पतीली में बॉयल करें, तो कभी भी दूध फटता नहीं है। शक्कर हमने दूध के हिसाब से लिया है, एक लीटर दूध है। अब उसको अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर। उसको अच्छे से पका लेंगे। फिर इसको हम सबसे पहले पानी में ठंडा करेंगे, फिर फ्रिज में ठंडा करेंगे। हमने दूध को अच्छे से पका लिया है, ये अच्छे से पक रहा है दूध। अब इसमें से हमने थोड़ा सा दूध निकाल कर पाउडर को घोल कर इसमें डालेंगे। पाउडर को हमने घोल लिया है, अब इसको हम ऐसे ऐसा करके मिला लेंगे। अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए और खाने में टेस्टी हो। ये कस्टर्ड ऐसा है, इसको खाएंगे तो ऐसे लगेगा मैंगो खा रहे। अब आम को हम छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, फिर ऊपर से इसको गार्निश करेंगे। हमारा अच्छे से पक गया है, गाढ़ा हो रहा है अभी। अब इसको जो है ना हम
मैंगो को कट कर लेते हैं। मैंगो को हमने छील लिया है और उसको हम अच्छे से बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंगो अच्छे से गाढ़ा हो गया है। मैंगो कस्टर्ड को अच्छे से पका लिए हमने। अब इसको हम तो मम्मी आम अभी डालोगे कि बाद में डालोगे? आम बाद में डालने का बेटा, पहले से डालेंगे तो आम का कलर चेंज हो जाएगा। आम को ठंडा होने के बाद डालते हैं कस्टर्ड में। तो बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े करके कट कर लेंगे ऐसे, फिर उसको ऊपर से गार्निश करेंगे। कस्टर्ड हमारा रेडी है, मैंगो कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम गैस को करते हैं बंद और इसको करते हैं ठंडा, सर्व करके फिर इसको बाद में गार्निश करते हैं। हमें आपने आम काट लिए? हाँ, हमने मैंगो कट कर लिया है आइस साइज का, छोटे छोटे टुकड़ों में। बिस्मिल्लाह, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के बाद, फिर इसको हम गार्निश करके फिर इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए, फिर इसको खा सकते हैं ठंडा करने के बाद। कस्टर्ड को हमने रेडी करके फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, ठंडा हो गया है। इसको हमने मैंगो से गार्निश कर दिया है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप भी अपने घर में बनाइए और बनाकर खाकर बताइए कि मैंगो कस्टर्ड और मैंगो फ्लेवर खाने में कैसा लगता है। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बच्चों को बहुत पसंद आया है। अभी आप भी अपने घर में बनाइए, बनाकर खाकर बताइए कि कैसा बना है। फिर क्या नाम है, नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ, नए क्या नाम है वीडियो के साथ। मेरे लाइक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। उम्मीद करती हूँ आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।